दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 12 से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज पर क्या कहना है खुद राहुल वैद्य का, जो कि इंडियन आइडल के पहले सीजन के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, इनफैक्ट रनर अप रह चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, यूजर नेम है rjankur_ig। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन आइडल सीजन 12 पिछले कई महीनों से चल रहा है, जहां एक तरफ आपको कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार परफॉर्मेंसेस तो सुनने को मिलती ही मिलती हैं, साथ ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी साथ चली आती हैं। जैसे कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी, अमित कुमार साहब ने कहा था कि मेरे को कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए कहा गया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट पर क्या रिएक्शन दिया है राहुल वैद्य ने। राहुल वैद्य ने कहा है कि देखिए कि शो जो है वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी बनाया जाता है, कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को इनकी गायकी भी सुनाई जाए, जो कि बहुत बेहतरीन गाते हैं। और वाकई ये कंटेस्टेंट बहुत बेहतरीन गाते हैं, ये जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं बहुत शानदार गायकी वाले कंटेस्टेंट्स हैं, और अगर ऐसे में इनकी तारीफ करने को कह दिया जाए तो इसमें बड़ी बात क्या है तारीफ करने के लिए। तो इस तरीके से राहुल वैद्य ने इस बात का जवाब दिया। वहीं दूसरी कंट्रोवर्सी जिसको लेकर काफी चर्चाएं हुई थी कि इंडियन आइडल में बहुत लव एंगल दिखाया जाता है, हमने देखा कि अरुणिता और पवनदीप के बीच हमने देखा, और एक दो कहानियां ऐसी बनी, तो इस पर भी राहुल वैद्य का कहना यही था कि भाई देखिए एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से कि मस्ती मजाक वाला माहौल रहे, इसलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। किसी को गन पॉइंट पे शादी करने के लिए तो कह नहीं दिया गया है, तो आपको इस बात का इतना बतंगड़ क्यों बनाना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से किया जाता है कि इतना लंबा एपिसोड है तो आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिलता रहे जनता को, इसलिए ये सारी कहानियां गढ़ी जाती हैं और कोई कहानी नहीं होती है। इस तरीके से राहुल वैद्य ने जवाब दिया, यानी कि सारी कंट्रोवर्सीज पे राहुल वैद्य इंडियन आइडल सीजन 12 को बैक करते हुए नजर आए हैं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।